हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। नुसरत के जहां में एक बार फिर स्वागत है। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर करने वाली हूँ वो हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा कहते हैं हमारी ब्यूटी को निखारने वाला होता है। तो गाइस, मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो है हेयर स्ट्रेटनर। सो गाइस, आज मैंने एक हेयर स्ट्रेटनर परचेज किया है जो कि मैं उसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये मैंने काफी टाइम पहले ही परचेज किया था, बट मैंने इसका रिव्यू, मैंने सोचा पहले मैं इसको खुद पे अपना ट्राई कर लूं, अगर ये मेरे बालों को सूट करता है तब मैं आपको इसका रिव्यू दूंगी, प्लस डेमो भी दूंगी कि ये कितना ज्यादा हमारे लिए अच्छा है जो कि हमारे बालों को बहुत अच्छा शाइन कर देता है। सो गाइज, मैं वीडियो को शुरू करने से पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और गाइज, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो चलिए गाइज, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं जिस स्ट्रेटनर हेयर स्ट्रेटनर की बात कर रही हूँ वो है ये आइकॉनिक। सो गाइज, आप लोगों ने भी सुना होगा ये आइकॉनिक ब्रांड बहुत ही अच्छा होता है। मोस्टली इसको प्रोफेशनली यूज करते हैं, सैलून वगैरह में भी, बड़े बड़े सैलून में भी इसी ब्रांड का यूज करते हैं। इसमें बहुत सारी वैरायटीज आती हैं, बट आपके बालों को, यानी कि आपके बालों को किस तरीके की नीड है जिसके अकॉर्डिंग आप परचेज कर सके हेयर स्ट्रेटनर को, सो आपको वो ध्यान में रख के परचेज करना है। सो गाइज, अगर आपको ये वाला खरीदना है, ये हमारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा सुइटेबल है, बिकॉज हमारे बाल थोड़ा फ्रिजी हैं, हमारे बाल थोड़ा सा रफ हो जाते हैं, तो अगर हम ये वाला स्ट्रेटनर यूज करेंगे तो हमारे बालों में बहुत ही अच्छा शाइन देगा और हमारे बालों को एक कहते ना एक नेचुरल इफेक्ट देगा। सो गाइज, इसका डेमो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। स्ट्रेटनर हमारे बालों को बिल्कुल भी रफ नहीं करता है, हमारे बालों को एक स्मूथ और शाइन एंड सिल्की टेक्सचर बना देता है। तो गाइज, इसका अब मैं आपको बताऊंगी कि इसका डेमो करके बताऊंगी कि ये इसको कैसे करते हैं और हमारे बालों पे किस तरीके का इसका रिजल्ट आता है। तो चलिए गाइज, इसको शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका ये पैकेजिंग है, यू कैन सी गाइज, और ये पूरा लिखा हुआ है आइकॉनिक प्रोफेशनल प्रो स्ट्रेट। और गाइज, इसको मैं ओपन करके बता रही हूं, एंड इसका इस तरीके का बॉक्स आता है, इसमें भी लिखा है प्रो स्ट्रेट, इस तरीके का। आपको मैं चारों तरफ से दिखा देती हूँ, इस तरीके का बॉक्स आता है और इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से रहता है। सो गाइज, ये है हमारा हेयर स्ट्रेटनर, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है, देखने में भी बहुत ही अच्छा लुक है और ट्रैवल फ्रेंडिंग है। आप इसको किसी भी जगह, कैसे भी छोटी सी जगह में से आप रख सकते हो। और गाइज, इसके मैं आपको फीचर्स बता दूं और इसके मतलब इसका क्या क्या बेनिफिशियल है इसको परचेज करने से, तो आपको मैं बता दूं, इसमें एक ये होता है, इस तरीके का गारंटी कार्ड्स होता है, यू कैन सी गाइज, आई होप आपको दिख रहा हो अच्छी तरीके से, इस तरीके का ये गारंटी कार्ड होता है जो कि आपको इसको कम से कम 1 ईयर तक इसको बहुत ही संभाल कर रखना पड़ता है। इसमें किस क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं आपको मैं बता दूं कि इसमें वारंटी कार्ड में दिया है कि दिस वारंटी इज वैलिड फॉर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, यानी कि जब आप इसे परचेज करेंगे तो इसको आपको 1 ईयर तक ही संभाल कर रखना है। और ये है, योर सेरेमिक हेयर स्ट्रेटनर इज रिप्लेसेबल विद इन 3 मंथ्स और रिपेयर्ड विद इन 1 ईयर ऑफ द ओरिजिनल परचेज डेट। अगर हमारे इस स्ट्रेटनर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है 3 मंथ्स के अंदर, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, सिर्फ 3 मंथ्स के, जब से मैंने इसको अगर परचेज किया है बिटवीन 3 मंथ्स तक इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। और 3 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं और अगर हमारे इसमें कुछ और प्रॉब्लम आ गई है 3 मंथ्स के बाद, तो इसको हम कस्टमर केयर पे इसका, या फिर इसका एक शॉप जहां से अगर आपने परचेज किया है उस शॉप पे भी जाके आप दोगे तो वो आपको इसका रिपेयर करवा के दे देंगे। तो ये वारंटी पीरियड आपका 1 ईयर तक के रहेगा। सो गाइज, पहले तो मैं आपको बता दूं, इसमें अच्छा खासा वायर होता है, कम से कम आपको मैं बताऊं ये 1.5 मीटर का वायर आपका प्लग लगाने का, कहीं दूर पर है आपको मिरर, आपका कहीं दूर है तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से दूर तक यूज कर सकते हैं। एंड देन इसका जो यहाँ का वायर है आप देख सकते हो, ये पूरी तरीके से मूवेबल है, यानी कि चारों तरफ मूव करता है, आपके जो वायर है ना, इस वायर में किसी भी तरीके का बैंड नहीं आएगा बिकॉज ये चारों तरफ मूव करता है। एंड इसमें आपको मैं दिखा दूं, इसमें एक बटन होता है यहाँ पर गाइस, ये बटन होता है हमारी जो प्लेट्स होती है इसको ओपन करने के लिए। अभी आप देख सकते हैं हमारी प्लेट्स क्लोज है, एंड अगर मुझे इसको ओपन करना है तो हमें इस बटन को इस तरीके से प्रेस करना है, यू कैन सी गाइस, ये हमारा प्लेट ओपन हो गया है।
तो गाइज इस तरीके का हमारी ये प्लेट है, आप देख सकते हैं, और ये हमारी जो प्लेट है ये सेरेमिक बेस प्लेट है, यानी कि हम सेरेमिक प्लस कैरेटीन है, जो कि हमारे बालों को डैमेज करने से रोकता है और हमारे बालों में अगर कैरेटीन की कमी है तो उसको पूरा करता है और हमारे बालों को बहुत ही ज्यादा शाइन एंड स्मूथ बनाने में हेल्प करता है। तो आपको गाइज ध्यान रखना है, अगर आपके बाल बहुत ही ज्यादा फ्रीजी, बहुत ही रफ हैं, तो आपको सेरेमिक प्लेट वाली ही आपको यूज करना है, बिकॉज अगर आप कोई सस्ती वाली यूज करेंगे तो उसमें सेरेमिक नहीं होता है, बोलेंगे बट उसमें सेरेमिक नहीं होता है, और वो आपके बालों को बहुत ही ज्यादा डैमेज कर देगा, बहुत ही मतलब दो मुहे बाल हो जाएंगे उससे अगर आप उसको हमेशा यूज करेंगे। तो इसलिए अगर मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप सेरेमिक बेस प्लेट यूज परचेज करें। जब आप अपने बालों को स्ट्रेट करेंगे तो एक हेल्दी लुक देने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। आपको बता दूं इसमें पूरा टेम्परेचर दिया हुआ है, आपके बालों को किस तरीके का टेम्परेचर चाहिए। आई होप आपको दिख रहा हो अच्छे से, मैं अगर नहीं दिख रहा तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर टेम्परेचर स्टार्ट हुआ है 150 डिग्री से लेकर 230 तक की, यानी कि अगर मिनिमम तो इसमें रहेगा 150 डिग्री एंड उसके बाद है 170, फिर है 190, फिर है 210 एंड देन 230। तो गाइज इसमें आपके बालों को कितना टेम्परेचर चाहिए वो आपको यूज करने के बाद ही पता चलेगा, बिकॉज हमारे बालों को, बिकॉज मेरे बाल थोड़े थिन है तो हमारे बालों में ज्यादा हाई टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ती है, हमारे 150 टेम्परेचर में ही हो जाते हैं स्ट्रेट। और यहां पर दिया हुआ है ऑन ऑफ करने का, यानी कि ये पावर बटन है, यहां पर आप पावर को ऑफ कर सकते हैं और ऑन भी कर सकते हैं, और यहां पर प्लस एंड माइनस दिया है, आपको अगर टेम्परेचर जिसके जैसे बढ़ाना है तो प्लस करके बढ़ा सकते हो और टेम्परेचर को डाउन करना है तो माइनस करके उस टेम्परेचर को डाउन भी कर सकते हैं। तो गाइज इस तरीके से इसमें सारे मतलब फंक्शन दिए हुए हैं। तो गाइज आपको इस स्ट्रेटनर में इस तरीके के दो मिलेंगे जो कि आपको क्या करना है, जैसे कि अगर हम अपने बालों में ये स्ट्रेटनर करते हैं, स्ट्रेटनिंग करते हैं अपने बालों को, तो ये पोर्शन थोड़ा सा हीट हो जाता है, तो जब हम अपने बालों की स्ट्रेटनिंग करते हैं तो कभी कभी हमें यहाँ पर प्रेस करना पड़ता है, तो हमारी जो फिंगर्स होती है उसमें चटका लगता है, तो चटका ना लगे इसलिए ये दिया हुआ है। आप इसको यहाँ पर इस तरीके से इसमें लगा लें दोनों तरफ और देन आप इसको इस तरीके से अपनी फिंगर से प्रेस कर सकते हैं अपने बालों पर, तो आपकी फिंगर्स पर चटका नहीं लगेगा। तो गाइज इसका यूज इसलिए होता है। और गाइज इसका प्राइस की अगर बात करूं तो इसका प्राइस जो इसमें मेंशन किया रहता है वो रहता है 5000, और बट मुझे ये 10% डिस्काउंट करके मिला है और कुछ एक्स्ट्रा भी उन्होंने डिस्काउंट मुझे दिया था जो कि मुझे 4200 का ये मुझे पड़ा है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट रिजल्ट इसका बहुत ही अच्छा है। तो गाइज इसमें मतलब स्लीक डिजाइन, इसके जो फीचर्स हैं वो मैं आपको बता दूं कि इसमें स्लीक डिजाइन है, एक्स्ट्रा लॉन्ग सेरेमिक प्लेट्स है, डिजिटल टेम्परेचर कंट्रोल है, यानी कि जो इसमें जो कंट्रोल पावर होता है वो डिजिटल रहता है, ऑटोमेटिकली आपके बालों के हिसाब से चेंज हो जाएगा एंड आपके बालों को किसी भी तरीके का हार्म नहीं पहुंचेगा, एंड फिर हीट्स अप टू 230 डिग्री, यानी कि 230 डिग्री तक के आप इसको हीट कर सकते। तो चलिए चेक करते हैं। तो गाइस चूंकि मैं घर पे यहां पे कर रही हूं, जरूरी नहीं कि हर किसी के पास एक प्रोफेशनल क्लिप हो, तो नॉर्मली हमें क्या करना है, हमें अपने बालों को इस तरीके से पार्टीशन कर लेना है एंड पार्टीशन करने के बाद आपको कोम से इस तरीके से अपने बालों में कोम कर लेना है एंड मैं आपको बोलूंगी आपको क्या करना है। सबसे पहले जो क्राउन हेयर रहते हैं इस तरीके से आपको अपने बालों को लेकर एक क्लचर की हेल्प से अपने बालों को इस तरीके से क्लचर लगा लेना है ऐसे करके। फिर उसके बाद जो बैक के बाल बचते हैं उसको दो पार्टीशन में इस तरीके से ले लेना है और इसमें फिर कोम करना है। तो गाइज ये हमारा वर्क करना स्टार्ट हो गया है। अब मुझे क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने उंगलियों को नहीं जलाना है क्योंकि बहुत हीट हो जाता है तो ये चटका भी लग सकता है आपके हाथों। आप देख सकते हैं ये थिन वाला स्ट्रेटनर है, आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ सैलून वगैरह में इससे कर्ल भी किया जाता है। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में यानी कि अगली आने वाली वीडियो में या फिर किसी दिन में आपको इस पे कर्ल करके भी बताऊं इस स्ट्रेटनर के थ्रू कैसे घर पर कर्ल करें। तो गाइज मैंने अपने बालों में स्ट्रेटनिंग कर लिया है और मेरे बाल अभी आप देख सकते हैं, अभी मैंने आपको थोड़े टाइम पहले दिखाया था,
तो मेरे बाल कितने ज्यादा फिजी लग रहे थे, बहुत ही रफ लग रहे थे, और अभी इस ट्रीटमेंट यूज करने के बाद मेरे बाल इतने शाइन हो गए हैं और इतने अच्छे तरीके से, यानी कि अगर मेरे हिसाब से मेरे जितने बड़े बाल हैं, जितनी लेंथ बालों की है, उस हिसाब से अगर आप इस स्ट्रेटनर से बालों को स्ट्रेट करेंगे तो डेफिनेटली 5 to 10 minutes में आप स्ट्रेटनिंग कर लेंगे अपने बालों में। और अगर बाल आपके थोड़े लेंदी हैं या थोड़े थिक हेयर है तो आपको 15 minutes लग सकते हैं, 20 minutes लग सकते हैं, बट आपके बाल एकदम स्मूथ एंड शाइन एंड सिल्की नजर आएंगे और आपका लुक भी एक बहुत ही ज्यादा रिच लुक लगेगा, बहुत ही रॉयल लुक लगेगा। यानी कि अगर आप पार्टी वगैरह में जाएंगे और इस तरीके का आप कर लेंगे तो आप एक डिसेंट लुक कर सकते हैं। बिकॉज क्या होता है, हम लोग हेयर स्ट्रेटनर हम लोग रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग शैलून में करा तो लेते हैं, बट क्या होता है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव भी होता है, एंड उसके बाद अपने बालों को बहुत ही ज्यादा ख्याल भी रखना पड़ता है, और फिर उसके बाद क्या होता है कुछ टाइम के बाद बाल बहुत ही ज्यादा रफ होने लगते हैं, बहुत ही ज्यादा फ्रिजी होने लगते हैं, और बहुत ही ज्यादा बालों में दो मुहे बाल हो जाते हैं, और बहुत ही ज्यादा हेयर फॉलिंग भी बढ़ने लगती है। तो गाइज ये शौक तो हम एक बार कर सकते हैं अपने शौक को पूरा करने के लिए, एंड अगर आप चाहो तो ये बार बार करें तो ये पॉसिबल नहीं है। तो गाइज बार बार आपको अपने शौक को पूरा करने के लिए आप इस स्ट्रेटनर को परचेस करेंगे, और परचेस करके अगर आप इसको अपने पार्टी में या कहीं जाते हैं आप इसे अपने बालों को स्ट्रेट करें तो एकदम रिबॉन्डिंग वाला लुक आप अपने बालों पर पा सकते हैं। सो गाइज आपको हमारे वीडियो कैसा लगा, आई होप आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा होगा, तो गाइज इसे एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके भी जरूर बताना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जो रेड बटन है उस पर क्लिक करें और उसके बाद बेल का आइकन आएगा उस पर क्लिक। तो गाइज फिर मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइज, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।